वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। भारतीय जनता पार्टी के मेरठ शहर प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा ने प्रचार के आज अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत लगा दी। धर्मपत्नी संग लेकर उन्होंने तेजी से जनसंपर्क किया और 10 तारीख को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज कमलदत्त शर्मा का जोश देखने वाला रहा। जगह जगह उन्हें भारी समर्थन के साथ ही भव्य स्वागत किया गया। इसे देख कमल खासे उत्साहित नजर आए। फर्स्ट बाइट टीवी ने आज उनके इस जनसंपर्क अभियान को कैमरे में कैद किया। फर्स्ट बाइट संवाददाता शिवानी गौतम की यह खास रिपोर्ट। जैसे कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे आपने पहल करी है घर से बाहर निकल के प्रचार करने की, उसका कितना असर होने वाला है? महिलाओं पर बहुत असर पड़ रहा है। देखो, मैं एक बिल्कुल साधारण गृहिणी जो आज अपने पति के लिए, अपने मोदी योगी देश के लिए, सबके लिए निकली हूँ, तो उस बात का महिलाओं पर बहुत असर पड़ा। सबने बहुत कहा, अच्छा, मेरे को प्रशंसा मिली इस बात की कि आपने आगे बढ़कर मोदी योगी जी के लिए फूल के को जिताने के लिए हम सबके लिए आप निकल कर आई हैं। हमें सबको इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। सब मेरा सहयोग कर रही है और दिन प्रतिदिन हमारी संख्या बढ़ रही है और अब हम 100% जीतेंगे। अब कोई हमें रोक नहीं सकता, चाहे हमारे मैदान में आगे कोई भी आ जाए टक्कर पे। कोई ऐसा वाक्य, अनुभव इतने एक हफ्ते का जो आपको यादगार रहेगा इस चुनाव प्रचार का? चुनाव प्रचार का मुझे ये यादगार जरूर रहेगा, जो हमारे सभी भाई बहने बंधु सब हैं, वो देखो बिना किसी स्वार्थ के हम सबसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि योगी मोदी जी ने काम ही ऐसा किया है। वो चाहते हैं कि दोबारे से हमारे देश में वही सरकार आए जो है, जिससे हम सब सुरक्षित रहें, हमें सब चीज मिले, हम जो हमारी कठिनाइयां हैं वो भी सब धीरे धीरे दूर हो जाएं और हम आगे बढ़ते रहें और हमारा देश एक विकासशील देश से विकसित देश के उसमें आ जाए। आखिरी अपील, आखिरी बार क्षेत्रवासियों से कुछ करना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों से कहना चाहूंगी 10 तारीख को आप पूरा पूरा हमें समर्थन दें और फिर देखिए आपके शहरों में, आपके मोहल्लों में क्या से क्या काम हो जाएगा। सभी आपको सुविधाएं, जितनी भी योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई हुई है, सब आपको मिलेंगी, आप सुरक्षित रहेंगे। हमारे सैनिकों के लिए कितना उन्होंने काम किया है, तभी तो आप अपने अपने शहरों में, अपने अपने मोहल्लों में, घरों में सुरक्षित हैं। तो आप उन्हें दोबारा से लाइए। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, सभी बहनों से, सबसे, कि आप उन्हें दोबारा लाइए, एक बार अपने हिंदू भाई को आगे बढ़ाइए, जिससे वो आप सब लोगों के बीच आकर काम कर सके। शारदा जी, आप बीजेपी के समर्थन में हैं, तो क्या ऐसी खूबियां हैं बीजेपी में जो आप उनके समर्थन में आई हैं? हम उनके समर्थन में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कन्याओं को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं वो, और आगे तक के लिए फ्री में शिक्षा है उनकी, बीए बीएड जो भी कर रहे हैं, और हमारे जो विकास कर रहे हैं, इतना अच्छा सड़कें बनवा रहे हैं, रैपिड ट्रेन दे रहे हैं, और चारों तरफ विकास ही विकास है। उनके लिए, उनके कार्य को देखते हुए हम सब महिलाएं, हमारे गणेशपुरी की महिलाएं सब उनके समर्थन में, पुरुष भी, महिलाएं भी, और बच्चे भी, युवक भी, सभी वृद्ध महिलाएं भी, क्योंकि वो हर तरीके से सबकी मदद कर रही हैं। सबसे पहले तो खाने हिंदू एकता है पहली बात तो ये, और जो मोदी ने, योगी ने करा, ना किसी ने करा, ना कोई करेगा, मोदी सरकार।
मेरा नाम रूपा है जी। रूपा जी, आप किस कार्यों से खुश हैं बीजेपी सरकार के? सभी कार्यों से, चाहे वो आप विकास का ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, और ये आपकी जो ये सारी योगी जी ने योजनाएं निकाली आम जनता के लिए, जैसे सुकन्या, महिला सशक्तिकरण, विकास के लिए वो इतना, ये काशी विश्वनाथ डोर ले लीजिए, और 500 साल का सपना जो देश का पूरा हो रहा है, राम मंदिर वो बन रहा है, तो ऐसा कौन सा काम है? आज महिलाएं रातों रातों आराम से घूम रही हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। पहले की सरकारों में आप देख रहे थे कि क्या हो रहा था कि महिलाएं 8 बजते ही ऐसे घरों में घुस जाती थी, उनके पास तो कोई सेफ्टी सुरक्षा ही नहीं थी। आज 11 बजे भी महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो ये काम तो सिर्फ योगी या मोदी सरकार में ही हो सकता है जी। तो ये महिलाओं के हित में जो कार्य हो रहा है, आपको लग रहा है कि सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर बीजेपी सरकार फिर से आने वाली है? नहीं, महिलाओं के लिए तो हो ही रहा है, सभी मुद्दों के लिए। आप कानून व्यवस्था ले लीजिए, मैं आपसे बोल रही हूँ, चाहे विकास का मुद्दा ले लीजिए, कोई भी। आप ये बताइए, जैसे हम मेरठ में रह रहे हैं, हम मेरठ की जनता 4-4, 4.5-4 घंटे में काम रह जाते थे लोगों के, जो पहुंच रही थी, आज 40 मिनट में पूरा हो रहा है वही दूरी, तो क्या विकास है? मेरठ जैसी शहर में रैपिड आ रही है, मेट्रो आ रही है, कितना विकास हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।